गाइस हम पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है लगती है गली में, बहुत ज़्यादा, और रात के 9 हो रहे हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मैं आपको इसका पूरा व्यू दिन को दिखाऊंगी क्योंकि अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन रूम टूर मैं करवा दूँगी। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ होटल में और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसे कहीं ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही लग्जरी सा होटल है ये, और बहुत ही छोटा सा एक कंटेनर के अंदर इन्होंने कंटेनर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया, और ये पाकिस्तान में आई गेस मैंने और कहीं नहीं देखा, मैंने पहली दफ़ा नथिया गली में देखा है कि इन्होंने कंटेनर में इतना अच्छा रूम बनाया है, छोटा सा रूम है। तो गाइज मैं अभी आप लोग को रूम टूर दूंगी, और ये लॉक ना हो जाए इसलिए मैंने उसे खोल के रखा है, तो चलिए मेरे साथ। तो गाइज अब हम दोनों आपको रूम टूर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, हम दो बहनें बहने। तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से, ये क्या है, ये शीशा है, मिरर है, क्या है, ये अलमारी है शायद। हाँ तो गाइज ये है अलमारी, अभी हम सारे कपड़े निकाल के इधर रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ मुझे लगता है फ्रिज भी है, ये भी है इधर, जाने माल सब कुछ पड़ी है, और ये छोटा सा स्टूल है हमारे लिए, और वाओ वी हैव ओवन। सबसे बेस्ट बात है कि हमारे पास इधर केटल है, और केटल में हम मैगी बनाएंगे, वैसे अलाउ नहीं होता लेकिन हम बनाएंगे, ठीक है। ओवन जो है कोई और ओवन है ना, ओवन में बना लेंगे, लेकिन हमारे पास बाउल नहीं है, अगर हम इनसे बाउल बाउल मांग लेंगे। चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड यार, आई लाइक दिस। तो गाइज उसके बाद हमारे पास आता है वॉशरूम, और गाइज इनका यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक है, ये जो है इनके जो स्विचेस हैं वो भी टच वाले, इसे करके लाइट्स ऑन हो जाती है, और जब ब्लू होता है तो लाइट्स ऑफ होती है, कि कोई बेल बजा रहा है, तो अभी हम देखते हैं कौन हमारी बेल बजा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो गाइस रिजॉर्ट वालों की तरफ से हमें ये गिफ्ट आया है, उसके ऊपर लिखा है थैंक यू फॉर चूजिंग क्यूबिट एज योर होस्ट, विशिंग यू आर विशिंग यू। तो गाइस ये क्यूब्ड है या क्यूबिट है ये नहीं पता, लेकिन हम इसको क्यूबिट या क्यूब दोनों पेंसिल बोलता और कुछ बोलता, चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इनका स्टाफ है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब ये रेड होता है तो लाइट्स ऑन होती है, ब्लू होता है तो बंद होती है, तो अब हम इसको रेड करते हैं। और गाइस यहाँ पास मिनी सा क्यूट सा वॉशरूम है, ये रहा। तो गाइस ये हमारे पास वॉशरूम है, मैं दूर से दिखा ता तमाम वाइड एंगल, और तुम आप रश रश। तो गाइस ये हमारे पास मिनी सा वॉशरूम है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, और ये हमारे पास मिरर, स्मॉल मिरर, इसको हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं, और धप्पे लेना प्रो तो सोमा। और गाइस ये शॉवर एरिया है अंदर, वेरी नाइस शॉवर। ओके गाइस जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होती है, बेड। तो अभी हम आपको बेड की तरफ लेके जाएंगे। बाद आता है हमारे पास ये सोफा है, ऑरेंज कलर का, बहुत क्यूट सा कंफर्टेबल, और साथ में हमारे पास ये टेबल आता है, टेबल पे हम बैठ के कुछ भी खा पी सकते हैं, और सोफे पे बैठ के हम देख सकते हैं नेटफ्लिक्स। ऑन करो ना नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स ये रिमोट ऑब्वियसली। अच्छा सोमा ये खोलो ना, हमारे पास जो है रूम में बालकनी भी है, तो हम सुबह इसका व्यू भी देख सकते हैं, अभी तो बहुत अंधेरा है और बहुत खौफनाक सा व्यू है, लेकिन मैं सुबह फिर से दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, और गाइज जो स्पेशलिटी है वो ये बड़ा सा गोल सा राउंड इनका विंडो है, सुबह के टाइम इधर से आप बाहर व्यू देख सकते हैं, अभी तो जाहिर है ये वो हो गया है, अंधेरा हो गया है तो नज़र नहीं आता। और जो साइज, और हमारे पास फिर आता है टडा बेड। तो गाइज ये बेड है, बेड पे कोई ताज नहीं, और बहुत कंफर्टेबल बेड है। सोमा जरा आप साइड पे होके बेड दिखाएंगी, बेड है और ये इसका साइड टेबल है, और सोमा ये क्या चीज लिखी हुई है, ये दिस व्हाट इज दिस, शायद लैंप। अच्छा गाइज ये बेड है, बहुत कंफर्टेबल, और ये वैसे ही डेकोरेशन के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, और हमारे पास इधर इन्वर्टर भी मौजूद है, और ये लैंप है, और ये साइड टेबल है, लैंप है ये, लैंप
तो कैसा लैंप इसको लगाओ तू? सही, मुझे लगता है साइड टेबल लैंप होते हैं ना। गैस यार बहुत अच्छी वाइब है, लाइक आई जस्ट लव इट। मैंने और सोमा ने सूप मंगवाया है और अब हम सूप पियेंगे किसी मूवी के साथ। और सोमन ने अपने लिए कढ़ाई ऑर्डर की है और अब साथ में सूर्यवंशम देख रहे हैं। बहुत भूख लगी। मेरा रूम टूर था और मुझे बहुत पसंद आया है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया है। बहुत ही लग्जरी सा इन्होंने कंटेनर में इतने अच्छे रूम्स बनाए हुए हैं, तो और बहुत ही रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई 40-50 इसका पर नाइट है, आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ सिंगल रूम, मतलब ये तो मुझे सुमैया को छोटा सा रूम हमने बुक किया है, लेकिन आप लोग को इसमें बड़े बड़े स्वीट भी हैं इनके पास, जिनके मैं वो भी मैं व्लॉग में ऐड करके आप लोग को दिखाऊंगी। इनको मैं बोलूंगी कि वो रूम भी ओपन करे, और बाकी मैं सुबह जब रोशनी होगी तो मैं आपको इधर से इसका व्यू भी दिखाऊंगी और बाकी सारा भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने इतना देख लिया, मुझे बहुत पसंद आया।